नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं एलएनटी ने क्या हिसाब कर रखा है। देख रहे हैं ये सिविल लाइन का जो पाइपलाइन है वो टूटी पड़ी है और गंदगी बह रही है बाहर। आप देख रहे हैं रोड पर गंदगी बह रही है क्या, और दुकानदारों को हो रही है परेशानी। क्या कहना चाहोगे? अरे मैं पत्रकार साहब आपको बताना चाहूँ, ये करीब 7-8 दिन से सिविल लाइन का पानी बदबू मार रहा है। हम लोगों को दुकान खोलने में परेशानी आ रही है। 2-3 दिन में हमने आज दुकान खोली है। दुनिया भर के प्रशासन से हम शिकायत करके आए। आज हम कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। बदबू के मारे स्थिति ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सिविल लाइन वालों को भी 2-3 बार टेलीफोन कर दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, ये बोलते हैं। गंगापुर सिटी में कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है, जबकि ये बेहतर रोड है आपके सामने। नगर पालिका की तरफ भी रास्ता जाता है, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उनके छींटे लगते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गंगापुर सिटी में प्रशासन निकम्मा होता जा रहा है बिल्कुल। आज हम कलेक्टर साहब को भी अभी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। इस संदर्भ में अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हमें आमरण अनशन में बैठना पड़ेगा। यहाँ पर लोग बदबू के बारे दुकान ही नहीं खोल सकते। हम ये पोजीशन हो रही है, छींटे इतने लगते हैं पब्लिक के, जो हमें गाली और देती है। अब ये पानी निकल रहा है, 6 दिन हो गए साहब, 6 दिन से लगातार आपसे भी हमने निवेदन कर दिया, प्रशासन से भी बोल दिया, एलएनटी वालों से भी बोल दिया, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। देख रहे हैं एलएनटी प्रशासन से कितने लोग परेशान है। एलएनटी के नाम पर, सिविल लाइन के नाम पे पूरे गंगा पुष्टी को खोद के पटक दिया। सिविल लाइन के स्थान पे ये ऐसे ही है, पूरी गाड़ी धसती जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये बदबू के मारे दुकान पे बैठना भारी पड़ रहा है। 7 रोज से लगातार टेलीफोन कर रहे हैं सिविल लाइन वालों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। कोई सन ये हो रही है। अब हम कलेक्टर साहब के एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, इसकी कलेक्टर साहब भी हमारी सुनवाई करते हैं नहीं करते हैं देखते हैं। देख रहे हैं सिविल लाइन के नाम पे पूरे गंगा पुष्टी को खोद के पटक दिया। अगर सिविल लाइन की इसी तरह से अगर देनी है तो क्या मतलब है इसका? अरे सिविल लाइन खोद के पटक दिया, चलो बोलने के लिए जो पानी निकल रहा है गंदा, इसको तो बंद करो। लेकिन नाली क्यों है तुमने लाइन, जब तुम पे पानी की व्यवस्था ही नहीं बैठ रही तो? ये पानी का मारा बदबू का मारा हालत खराब हो रही है बिल्कुल। स्थिति ये हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं। 7 रोज से लगातार टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। बदबू का मारा नहीं है, धीरे धीरे दुकानें बंद करनी पड़ रही है हम लोगों को। और सिविल लाइन का पानी बीच रोड में बह रहा है और कम से कम 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बार बार एलएनटी वालों से कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आम पब्लिक परेशान हो रही है। देख रहे हैं बीच रोड में सिविल लाइन का गंदा पानी बह रहा है। नगरपालिका का रास्ता है, स्कूल का रास्ता है। चेयरमैन साहब से कहती है नगरपालिका की तरफ भी रोड है, स्कूलों की बसें दुनिया भर की निकलती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन प्रत्येक आदमी हमसे आकर के पूछता है कि ये क्या हो रहा है, प्रत्येक आदमी आकर के हमसे पूछता है, दिन भर जवाब देते देते परेशान है। सरकार दे इस बात का जवाब। देख रहे हैं रसगो, ये सिविल लाइन का है और सिविल लाइन टूटी पड़ी है और ये गंदा पानी बीच रोड में बह रहा है। मेन रास्ता है प्राइवेट बस स्टैंड का और नगर परिषद का मेन रास्ता है, ये देख रहे हैं आप।